Hey all, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, आप एंड तक देखना, एक बहुत ही अच्छी आपको चीज़ देखने को मिलेगी. तो प्लीज़ व्लॉग का एंड तक देखना. एंड सुबह सुबह यहाँ पर मैं कपड़े फिर से डालने लग गई हूँ. ऐसा शायद 4-5 बार हो गए होंगे कि कपड़े मैंने डाले, फिर से बारिश हो गई, फिर से घर में मुझे लेकर जाना पड़ा. तो घर में पूरे कपड़े फैले हुए थे, बट जैसे ही मुझे मौसम थोड़ा अच्छा दिखने लगा, देख सकते हो, तो मैंने फटाफट से कपड़े जो है वो डाल दिए. क्योंकि अभी यहाँ पर आई डोंट नो हर जगह का, बट इलाहाबाद में भी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई है. तो बस यहाँ पर फिर मैंने बुक शेल्फ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, चीज़ों को अपने जगह पर रख दिया है, और थोड़े से ना कर्टेन खोल देती हूँ कि ताकि सुबह का फ्रेश हवा है जो वो आ सके. और बच्चे इस वक्त स्कूल जा चुके हैं, तो उनको स्कूल जब मैं छोड़ने जाती हूँ ना बस स्टैंड के पास, तो मैं वहीं पे थोड़ा सा वॉकिंग या रनिंग होता है थोड़ा बहुत ही करके, मैं फिर घर पर आती हूँ. क्योंकि मैं पहले शूज़ पहन के जाती हूँ ताकि मुझे फिर घर आने के बाद ना आलस आ जाता है या मन नहीं होता, तो इसीलिए. एंड देन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ वहाँ सेटिंग करी है, हालांकि अभी भी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं बना है, बट ठीक है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे. तो बस यहाँ पर अभी मैं थोड़ा, आज मैंने सोचा बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया जाए. अभी इस घर में थोड़ा सा मतलब सफाई तो हो गया है, पर फिर भी बच्चे ना बाहर, क्योंकि हम लोग का नीचे का घर मिला है, तो बच्चे ना बाहर की गंदगी, रेत, ऐसी खाली पैर चल के जाते हैं और घर में आ जाते हैं. तो थोड़ा सा अभी इस वजह से बेडशीट ज़्यादा गंदे हो रहे हैं. एंड फाइनली बेड जो है बन गया है. एंड पीछे की हालत देखो, यहाँ पर ना पता नहीं छोटे छोटे ये जो दाने जैसे क्या गिरते हैं ना, हर दिन यहाँ पर सफाई करो फिर वही हाल होते हैं. एंड आज सोचा मैं थोड़ी सी गार्डनिंग कर लेती हूँ, तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पर मैं कर रही हूँ. और थोड़ा सा हम लोग पानी वगैरह पहले ही डाल दिए थे मिट्टी में, ताकि ज़्यादा हार्ड ना रहे मिट्टी. और क्योंकि बारिश भी थोड़ी आ रही है, इसलिए मैंने ज़्यादा सीड्स नहीं लगाए, बट ये सीड्स ऐसे ही मैंने करेले से निकाले थे, पके हुए करेले से, तो वही मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं, फ्री वाला है, कुछ होगा भी तो ठीक है, फ्री वाला था. तो इस तरीके से मैंने कर दिया. अभी मौसम थोड़ा अप्स डाउन चल रहा है, तो इसी वजह से मैंने सारे सीड्स नहीं लगाए हैं, बट मैंने काफ़ी सारे वेजिटेबल के सीड्स लेकर आई हूँ, तो वही मैंने मतलब करूँगी. शिमला मिर्च के लाई हूँ, पालक के लाई हूँ, चौलाई के साग लाई हूँ, भिंडी लाई हूँ, और भी बहुत सारे हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी पूरी चीज़ें. और यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने फिर से इधर उधर चीज़ें रख दी है, तो ये बुद्धा भी यहाँ रख दिया, बट उसमें अभी मैंने कुछ भी लगाया नहीं है. एंड देन ये एक दिन पहले का क्लिप था, तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर देते हैं. तो बताने दे रहा, ये रेड साड़ी कैसी है? रेड पहनूं कि ब्लैक? हाँ चलो ठीक. हाँ ब्लैक बढ़िया रहेगी. नहीं मुझे तो ब्लैक ही पहन, मुझे रेड पसंद है. तुम्हें यदि रेड ही पसंद है तो रेड ही पहन लो. ठीक है ना, थोड़ा और करो राइट तुम अपने. तो बस हस्बैंड यहाँ पर एक दिन पहले ही जो है, अभी फ्रेम वगैरह मैंने अच्छे से लगाया नहीं था, और ये जो वायर दिख रहे हैं ना, ये टीवी का वायर है, और यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं. मैंने कहा ठीक है रहने दो. एंड देन यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अब लंच की तैयारी कर लेते हैं. काम वगैरह थोड़ा बहुत मतलब चलता ही रहता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाए नहीं है, बट काफ़ी काम हो गया था. फिर यहाँ पर मैंने ना उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल में थोड़ा सा नॉर्मल चिली पाउडर एंड थोड़ा सा कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है ना वो डाले थे, और देन थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिए, और उसको हमें चढ़ा देना है. इस तरीके से आप अगर डालोगे ना बहुत ही अच्छा एक कलर आता है, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा कलर आता है. एंड देन यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा मैंने मिल्क वाला आ गया, तो मिल्क भी चढ़ा दिया ताकि मैं मिल्क को इस तरीके से फाड़ सकूँ. तो मिल्क में थोड़ा विनेगर डाल दिया, तो काफ़ी जल्दी फट जाती है, क्योंकि सारा खेल ना आपके मिल्क का होता है. मिल्क की क्वालिटी अगर अच्छी है ना, विनेगर आपने कैसा भी डाला हो, किसी भी तरीके से आप उसको कर दो ना, वो बहुत अच्छा पनीर बन जाएगा. तो यहाँ पर ध्यान भी है, अब तक स्कूल से आ गया है, क्योंकि ध्यान नीरव से पहले आ जाता है स्कूल से, तो बस थोड़ी उस सारी चीज़ें बता रहा है कि एक्टिविटी में क्या हुआ,
पर थोड़ा सही से बता नहीं रहा था कि उसने कलरिंग किया क्या किया, पर बोल रहा है मैडम ने ले लिया मुझसे, मुझे घर लाने नहीं दिया, ये सारी चीज़ें बता रहा है। और ये जो आप कटहल देख रहे हो ना, मैं ये यहाँ कहीं पास के पेड़ से तोड़ के लाई थी, तो आधा मैंने बना लिया था और आधा इस तरीके से छील के रख दिया था, थोड़ा ब्लैक हो गया था, बट अगेन मैंने थोड़ा सा इसको छील लिया। और छोटा सा ही कटहल लाई थी, बहुत ही सॉफ्ट सा था, एक बार बना लिया था फ्राई करके, तल के जैसे फ़िश वगैरह बनाते हो वैसे। और आज सोचा मैं इसको ना कटहल का एक सिंपल सा सब्जी बनाऊं, बहुत ही यम बनता है, आपको लग गया कि ये मटन बना है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैंने ना एक बार में ही थोड़े टमाटर और गार्लिक को पेस्ट बना लिया है ताकि दोनों चीज़ें मेरा काम आ जाए, अभी आगे आप देखोगे। तो यहाँ सरसों का तेल में ज़ीरा डाल दिया, साबुत खड़े मसाले डाल के, फिर मैंने अनियन को डाल दिए, अनियन के साथ थोड़ा सा मैंने कढ़ी पत्ता भी डाल दिया। कढ़ी पत्ता यहाँ हर घर छोड़ के थोड़े दूर पे कढ़ी का पेड़ मिलेगा, कढ़ी पत्ते का, हमारे खुद भी बैकयार्ड में है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड देन यहाँ पर कटहल डाल दिया, तो थोड़ा सा फ्राई ज़रूर करना है कटहल का, टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। एंड देन थोड़ा सा मैंने प्यूरी डाला, ये ऑप्शनल है, यहाँ पर टमाटो प्यूरी आप नहीं भी डाल सकते हो इसमें, बट आपकी क्वांटिटी जो होती है ना अनियन की थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देनी है, और गार्लिक जिंजर की, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने आज जी इसमें डाला है टमाटो पेस्ट, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, टमाटो पेस्ट बहुत अच्छा नहीं इसमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है प्याज ही थोड़ा ज़्यादा करके डालो ना, मीठा सा एक अलग टेस्ट हो जाता है। एंड देन यहाँ पर कढ़ाई में मैंने फिर से ऑयल ले लिया है, यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया था, थोड़ा ज़ीरा ले लिया एंड अनियन डाल के, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, टर्मरिक एंड जीरा, भुना जीरा पाउडर, सॉल्ट डाल दिया। इनको हल्का सा भूनने के बाद थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो सके, और उसके बाद इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। एक किसी शेफ़ ने बताया था, आई थिंक बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे। एंड देन टमाटो पेस्ट मैंने डाल दिया, और साथ में ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाऊँगी रायता, पालक वाली रायता, तो पालक को भी मैंने बॉयल कर लिया। एंड देन सारी चीज़ों को समेट लेना है हमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किचन यहाँ का बहुत छोटा है तो उसी हिसाब से करना पड़ता है। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है तो यहाँ पर जो मैंने दाल बॉईल किया था ना साबुत उड़द की, उसको भी डालना है। बट आज क्या हुआ, उड़द की दाल बहुत ज़्यादा उबली नहीं थी, बिल्कुल मैश हो जाना अच्छे तरीके से, तो वो नहीं हुई थी। इतने में मेरा कटहल का सब्जी देख सको तो कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है मटन बना हुआ है, बहुत ही यम बनता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर मैं दही बनाऊँगी, घर का दही ये है, ये होममेड दही, तो इससे तो बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ घर का दही दूँ। एंड देन पालक जब बॉईल हो गया तो प्यूरी बना के इसमें मिक्स कर देना है, और बस तड़के में आपको राई और कढ़ी पत्ते का तड़का देना है। मैंने भुना जीरा डाल दिया था, चाट मसाला, थोड़ा सा आपके पास अगर ब्लैक सॉल्ट है तो वो भी डाल दें आप, बहुत ही यम बनता है। थोड़ा सा मैंने क्रंच ऐड करने के लिए थोड़ा अनियन डाल दिया था, बस तड़का आपको डाल देना। इस तड़के में हल्का सा लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया था पाउडर, बड़ा ही अच्छा लगता है। एक चीज़ और है इसमें, अगर आप कर लोगे ना, इसमें स्मोक अगर आप दे दोगे ना कोयला को ऐसे बर्न करके, उस पर घी डाल के, बहुत ही अच्छा लगता है। बट मेरे पास नहीं था तो मतलब है बट वो कहाँ हो गया, शिफ्टिंग के टाइम पर ना इधर उधर तो मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। एंड खाना हमारा बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा मैंने मलाई डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डाला। आज है स्पेशल डे, हम लोग जा रहे, एक मिनट कार्ड लिया, कार्ड ले लो ले लो, ओह कार्ड ही भूल जाते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीरव का, एक एक्चुअली जो एबेकस क्लास करता था ना तो उसी का प्रोग्राम है, तो लेट्स सी क्या होता है आज वहाँ पे, तो देखते हैं। और दोनों बच्चे जो है बिल्कुल रेडी है, और मैंने भी आज ये फर्स्ट टाइम पहना है, मैंने मिंत्रा से बाय द वे ये ऑर्डर किया था, डिलिंगन ब्रांड का है जो कि मुझे मेरा फेवरेट है टॉप्स में, टी शर्ट्स वगैरह में, तो ये रहा। और ये मेरा जीन्स, और नील पिंडी लगाई तो इग्नोर, और यार देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो बहुत ही फटाफट से मेकअप किया, अच्छे से तो नहीं सब कुछ किया टाइम देकर, तो बस जैसे भी हो गया। नीरा आज हम नानी का जा रहे हैं। नानी क्या, नहीं जा रहे हम, कहाँ जा रहे हैं हम, आज हम क्या जा रहे, कार्ड दिखाओ सभी को, बोले अब कस में जा रहे हैं, कस में जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हो बताओ, एबेकस नानी क्या, एबेकस के लिए जा रहे हैं, भैया का फंक्शन है वहाँ, हाँ और कहाँ जा रहे हैं, मेला भी जाओगे, लेट्स सी मेला जाते कि नहीं, चांसेस तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। वेदर तो अभी ठीक हुआ है सुबह से, तो बिल्कुल से हाय
सहायक आश्रम सिंह, आकाश सिंह, स्वस्ति सिंह,